जी का स्वागत है मेरे यहाँ क्रिस्पी कुकिंग। आज मैं जो है शकरकंद को पकाने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास चूल्हे का अरेंजमेंट नहीं है और लकड़ी भी नहीं है, गैस में मुझे पकाना नहीं है, तो मैं इसे ओवन में पकाऊंगी। तो मेरे भाई ने जो है काफ़ी मोटा मोटा शकरकंद खरीद लिया है, इसलिए बीच से हम थोड़ा सा इसे छेद कर देते हैं। तो सब पकड़ लेती हूँ, एक हाथ से जो है फटकने का चांसेस है और चोट लग सकता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है दो टुकड़ों में इसे काट लिया है, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से, उसके बाद मैं इसे जो है प्री हीटेड ओवन में मैं डालूंगी। देखिए इसका तार नहीं रॉड जो है दोनों कितना लाल दिख रहा है, ये तो उजाला है वरना धीरे में काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैं पहले बिजली काट करके डाल देती हूँ, क्योंकि लाइन को सुरक्षित रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए डालते हैं अंदर, सावधानी से डालिए वरना हाथ जल जाएगा। इसका पकड़ने वाला स्टैंड भी है, पर मैं ऐसे ही डालूँगी। उसके बाद इसे बंद कर दीजिए और उसके बाद हम इसमें बिजली को दे देते हैं। और एक बार मैं आपको अंधेरा करके दिखाती हूँ कि अंधेरे में जो है इसका रॉड कितना रेड दिखता है, जो है ओवन का जो रॉड है कितना गर्म है और रेड रेड दिख रहा है। अंधेरा करके मैंने आपको दिखाया ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और मैं बता देती हूँ कि मैंने कितना रखा है टेम्परेचर, देखिए थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मैंने हाई पे किया हुआ है 250 टेम्परेचर, 250 डिग्री सेल्सियस किया है। और रॉड जो है दोनों साइड, इसका मतलब होता है ऊपर और नीचे दोनों का जलना। और इधर देखिए टाइमर सेट है, देखते हैं। ये तो मैं टाइमिंग बस यूँ ही सेट कर देती हूँ, फिर बाद में मैं चेक करती हूँ पक्का है तो ठीक है, वरना फिर मैं इसे चालू कर देती हूँ या फिर बंद। तो पकेगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। ये देखिए रोस्ट होना ये स्टार्ट हो चुका है, मुझे खुशबू भी आ रही है। और इसका देखिए ऊपर से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा जल रहा है, इसलिए मैंने जो है हीट को जो है 250 से 200 कर दिया। खुशबू नहीं बहुत अच्छा है, एक बार मैं निकाल कर इसको देखती हूँ, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ पहले पक रहा है कि जल रहा है। ओ माय गॉड, इतना अच्छा पक गया दोस्तों। चाकू देखिए, चाकू देखिए कितना आराम से अंदर गया है, तो बिलीव ही नहीं हो रहा। खुशबू बहुत अच्छा रहा, मैं अपना मम्मी को देखने पड़ा, अब वो टेस्ट करके बताएगी पता है कि कैसे। ये दोस्तों लाइन कर लिया, पक गया ना दोस्तों, देखिए बहुत अच्छे से पक गया ही। अब मैं ना थोड़ी देर के लिए इसे रोस्ट कर, तो मैं फिर से इसलिए डाल रही हूँ, बिजली तो मैंने काट दिया लेकिन मैं डाल कर फिर अब मैं इंतजार करूँगी। भैया और पापा गए मार्केट, आएंगे तो खाएंगे, इसे गर्मा गर्म खाने में मजा आएगा, इसलिए इसमें डाल के छोड़ देते हैं। तो मैं बंद कर दी, देखिए स्विच ऑफ है। ये दोस्तों शकरकंद देख सकते हैं आप, ये सीजन में जब भी आता है जरूर इसे ट्राई करें, बहुत ही फायदेमंद होता है। जड़ में ये जमीन के अंदर पनपता है, तो इसलिए इसे खाना बहुत ही फायदेमंद समझा जाता है। देखिए ये कितना लजीज है, मैं इसको खाऊंगा दोस्तों। आहा, ये मक्खन है मक्खन, देखिए इधर, वाव वाह। आप जो पिज्जा बर्गर और क्या क्या मोमोज खाते हैं ना दोस्तों, उससे लाख गुना आपके शरीर के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद और किफायती फूड है, ठीक है। बट ये शुगर पेशेंट के लिए लिमिट मात्रा में देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्वीट होता है, मीठा पोटैटो। इसे आग में पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका सुगंध और इसका टेस्ट जो है ना निखर जाता है।
आप जो है इसको पानी में भी उबाल सकते हैं ओवन में भी, लेकिन इसको अगर चूल्हा जो लकड़ी लकड़ी वाला या फिर कोयला से बनाएंगे ना उसमें उगाएंगे इसको पकाएंगे तो इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। देखिए देखिए दोस्तों ये डिसअपॉइंटमेंट, इसको मैं दिखा पाऊँ फिर से, देखिए दोस्तों आई एम सो हैप्पी टू ईट दिस फूड, क्योंकि आजकल शहरों में इस तरह के फूड मिलना मुश्किल है तो मैं इसका आनंद उठाता हूँ और आप पिज्जा बर्गर और मोमोज का आनंद उठाइए दोस्तों। बाय बाय।